Yes, may I come in, sir? Please. Yes. Yes, sir. Yeah. Thank you. Please, have a seat. Thank you, sir. Thank you. आपका शुभ नाम? सर माय नेम इज बसंत कुमार बरेट। और कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? सर मैं कोरबा से बिलोंग करता हूँ और मैंने सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे डिप्लोमा किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने सर एडवांस सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी का 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है सर। इसके साथ ही साथ सर मैंने इंडस्ट्री पे भी मैंने काम किया है और जिसमें मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस है सर। यस सर। तो बसंत जी आपने किस इंडस्ट्री में मतलब किस टाइप की वर्क परफॉर्मेंस की है? सर मैंने पावर प्लांट में काम किया हुआ है जहाँ पे मैंने सर जो सेफ्टी ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है पावर प्लांट में कि जैसे मशीनों पे किस तरीके से वर्कआउट होता है, मशीन जैसे कोई स्टार्टअप हो रही है हमारे वर्कर वहाँ पे काम करने जा रहा है तो उसके पहले क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ट्रेनिंग को लेके वर्करों को अवेयर करने के लिए। साथ ही साथ कुछ दस्तावेज वाले काम होते हैं वहाँ पे तो वो सारे जो जिम्मेदारी होती थी एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में मैं देखता था सर। थोड़ा सा मुझे अपने बारे में जानकारी दीजिए। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरा नाम बसंत कुमार बरेट है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और मेरी जो क्वालिफिकेशन है सर वो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। साथ ही साथ मैंने एडवांस सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट फायर एंड सेफ्टी का 1 ईयर का कोर्स किया हुआ है सर और अभी मैं एक इंडस्ट्री पे वर्किंग पे हूँ सर। आपकी क्या हॉबीज हैं? सर मेरी हॉबीज है सर स्टडी, इंटरनेट सर्फिंग, ये मेरी हॉबीज है सर। आप अपनी पूरी क्वालिटीज मुझे कुछ बताते हैं? क्वालिटीज अगर मैं बात बताऊं सर तो सबसे पहले मेरी एक क्वालिटी है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ जो मेरी एक लीडरशिप की क्वालिटी है वो मेरे लिए बेस्ट है सर। ओके। मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी लिखा है अपना। यस सर। आप किस फील्ड के मतलब आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे उसमें स्ट्रॉन्ग है जैसे कंफाइंड स्पेस है वर्कआउट फील्ड है तो किसमें आप बहुत ज़्यादा? सर मैं बेसिकली अगर आपको मैं बताऊं सर तो एज पर कंडीशन जैसे वर्क एट हाइट की बात हो तो वर्क एट हाइट पे जैसे एक 1.8 मीटर हम वर्क एट हाइट लेते हैं सर एक सेफ्टी प्रोविजन पे तो 1.8 मीटर के ऊपर में एक सेफ्टी बेल्ट को किस तरीके से हमें पहनना चाहिए तो वहाँ सारे चीज कॉन्फिडेंटली अगर मैं बताऊँ सर तो वर्क एट हाइट मेरे लिए बहुत अच्छा है। ओके। यस सर। आपके हिसाब से एक सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है? सेफ्टी ऑफिसर वो पर्सन होता है सर जो एज पर हमारे फैक्ट्री एक्ट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग से वो पर्सन जो उसकी क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता हो जिसने वो पढ़ाई की हो कम से कम उनके पास एक प्लेन ग्रेजुएशन हो या 10-12 पास आउट होने के बाद अगर वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से अगर 1 साल का अगर वो फायर एंड सेफ्टी कोर्स किया हो साथ ही साथ वो अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन जैसे सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी जो अपने आप में रखता हो और वो अपने वर्करों को सुरक्षा के बारे में कुछ अवेयरनेस या जागरूक कर सकता है ऐसे पर्सन सेफ्टी ऑफिसर के कैटेगरी में आता है सर वो सेफ्टी ऑफिसर होता है। आपके हिसाब से सेफ्टी आप किसे कहेंगे? मेरे हिसाब से सेफ्टी का मतलब होता है सर एक प्री इंफॉर्मेशन उस वर्क के अकॉर्डिंग से अगर सामने वाले पर्सन को अगर पता है और वो उस सेफ्टी प्रोसीजर के अंतर्गत जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं अगर मुझे पता है कि इस काम को कैसे किया जा सकता है और उस काम में क्या क्या खतरे या क्या क्या हैजार्ड आ सकते हैं अगर वो मुझे पता है तो वो मेरे लिए सेफ्टी है। अगर वो मुझे नहीं पता है तो वो मेरे लिए फिर हैजार्ड के कंडीशन हो सकते हैं मतलब मेरे साथ वो खतरा वाली बात आ सकती है। यस। वर्क परमिट के बारे में कुछ बताएंगे? यस सर। वर्क परमिट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है सर एक लिखित दस्तावेज होता है हमारे कंपनी की जो सेफ्टी पॉलिसी होती है तो किसी भी कंपनी में जो एक रिस्क को फैक्टर होते हैं उसको ट्रांसफर करने के लिए कंपनी क्या करती है अलग अलग प्रकार के परमिट तैयार करती है। ये वो परमिट होते हैं जिससे हम किसी भी काम को करने का तरीका उस काम को उसमें जो हजार्ड है उसमें क्या क्या खतरे हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है। सपोज अगर मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ मुझे उस काम के बारे में जानकारी है तो मैं वर्बली में भी उस काम को कर सकता हूँ लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं जानता है कि वो काम कैसा है उसमें क्या खतरे हैं तो उनके लिए वो परमिट बहुत मदद करेगा। तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के एक ऑथराइज्ड पर्सन जिसको हम लोग शिफ्ट इंचार्ज कहते हैं एरिया इंचार्ज कहते हैं तो उनके सर्टिफाइड करने के बाद जो दस्तावेज तैयार होते हैं उसे हम वर्क परमिट कहते हैं सर। ओके। और अगर आपसे मैं अगर ये सवाल पूछूं कि जो सेफ्टी ऑफिसर की रेपुटेशन होती है
वो किस एक्ट पे होती है? यस सर, सर बेसिकली इसका जो मेन जो अधिनियम होते हैं सर, वो होता है हमारा कारखाना अधिनियम 1948 के चैप्टर नंबर 4, सेफ्टी का एक भाग आता है, उसके अंतर्गत एक हमारा 40B के तहत अगर किसी भी उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या अगर 1000 से ऊपर हो जाती है तब वहाँ पे एक सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त किया जाता है सर। एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी आप क्या समझते हैं, उसमें क्या क्या करना चाहिए? सर सबसे पहले तो सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी की अगर मैं बात करूं सर, तो हम उद्योग में 3 चीजें लेके चलते हैं सर, मेन मशीन और मटेरियल। हमें इन तीनों चीजों को देखना, साथ ही साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण। स्वास्थ्य चाहे वो हमारा एक वर्कर हो, चाहे वो हमारे कर्मचारी हो, अगर हम सुरक्षा की बात करें तो चाहे वो हमारे वर्कर एम्प्लॉय हो, चाहे वो हमारी मशीनों की बात हो, और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की सुरक्षा हमारे सुरक्षा के दायरे में आती है। तो इन्हीं सारे चीजों को साथ में लेकर जो चलने वाला जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, सुरक्षा अधिकारी जिसको कहा जाता है, उनकी मुख्य ड्यूटी यही होती है कि वो स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कंपनी की जो उत्पादन क्षमता है उसको सुरक्षा के दायरे में करवाए, और कंपनी की जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें उत्पादन क्षमता को और बढ़ाना है, उससे संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं उसमें जितने भी आने वाले बाधाएं होती हैं, खतरे होते हैं, उनको दूर करना, और दूर करने के साथ वर्करों से सुरक्षित तरीके से काम लेना, इस तरीके के सुरक्षा अधिकारी के ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। आपको फायर से संबंधित नॉलेज है? यस सर। उससे संबंधित अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो आप कन्वीनियंट रहेंगे? बिल्कुल सर। एक फायर जो मैं होता है, एक फायर डिपार्टमेंट में जो फायरमैन वर्क करता है, उसकी आप क्या क्वालिटीज देखना चाहेंगे अगर आपके अंदर हम उनको देखें? यस सर। क्या क्वालिटीज सर? सबसे पहले अगर मैं फायर की मैं यहाँ पे बात बताऊँ सर, तो फायर डिपार्टमेंट के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो फिजिकली अपने आप को मेंटली फिट रखता हो, फिजिकली फिट रखता हो, और जो हमारे फायर सेफ्टी के लॉ के हिसाब से वो फायर सेफ्टी की जानकारी रखता हो। साथ ही साथ सर, फायर के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि सर फायर के लिए थ्योरिकल जानकारी बहुत लोग रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको फायर का प्रैक्टिकल जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे समय में हमारे फायरमैन जो फिजिकल फिटनेस के साथ साथ उनको प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करने की एबिलिटी भी उनमें होनी चाहिए, उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो पर्सन होते हैं जो अपने आप को एक जगह पे कमांडिंग वे पे लाते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत रहेगी फायर डिपार्टमेंट के लिए सर, फायरमैन के रूप में। नेशनल फायर सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? यस सर, नेशनल फायर सेफ्टी डे जो होता है सर, वो हमारा 14 अप्रैल 1944 को मनाया जाता है सर। आप हमारी कंपनी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं? सर अभी वर्तमान में मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ सर, और उसके बिहाफ में अगर आपकी कंपनी से जो मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे मुझे बेटर सर्विस, बेटर फैसिलिटी, मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियल को भी लेके, तो वो सारी चीज़ों की मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सर। देखिए हमारी कंपनी का मैं आपको जैसे बताऊँ कि एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, आपने भी देखा है। यस सर, जानकारी है आपको। देखिए अभी मैं जो साइट देख रहा हूँ वो साइट है चेन्नई। यस सर। तो अगर हम आपको वहाँ पोस्ट करते हैं, वहाँ डेब्यूट करते हैं, तो आपको कोई एडल्ट्स? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगा सर मुझे। आप कोप अप कर लेंगे? यस सर। लैंग्वेज बैरियर को कैसे हटाएंगे? यस सर, क्योंकि सर एक जनरली जो मेरा एक लैंग्वेज है वो तो हिंदी है, बट सर मैं इंग्लिश में भी कंफर्टेबल हूँ, तो वहाँ पे मैं इंग्लिश में मैं उनको कन्वे करके कन्विंस कर लूँगा सर। ओके। यस सर। अभी क्या करेंट आप विड्रॉ कर रहे हैं? सर अभी एट प्रेजेंट जो मेरी कंपनी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे अभी मेरा 4.30 पर एनम का मेरा सैलरी पैकेज है सर। ओके। और एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की क्या? एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की जो बात है सर, वो मोर देन अगर आपके कंपनी से मुझे 20-25% अगर ग्रोथ मिलता है तो आगे मैं उस पर जाऊँगा सर। आपके कोई सवाल है हमसे? फिलहाल तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है सर। ओके। यस सर। ओके मिस्टर बसंत, इट वॉज वेरी नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। और जैसा भी आपका इंटरव्यू का रिजल्ट आगे फर्दर होगा, yes, हम जो सेकेंड राउंड होगा आपका फाइनल राउंड जिसको हम कहेंगे, yes, रेपुटेशन, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन काफ़ी आई है, yes, sir, yes, sir. तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ आगे बढ़ें।
यू विल डू वेरी वेल. यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सर. थैंक यू सर.